हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरी माइंड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्याम सेल्वादुरई की फनी बॉय के बारे में। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अपनी वीडियो में आगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है फनी बॉय का, तो नाम क्यों पड़ा फनी बॉय? देखो, फनी बॉय का मतलब एक ऐसा करेक्टर जो कि मजाक का पात्र बना दिया गया स्टोरी में। तो फनी बॉय से ही क्लियर हो रहा है, फनी बॉय है ना। तो फनी बॉय यहाँ पे बोला गया है आरजी को। आरजी एक होमोसेक्सुअल था। मींस होमोसेक्सुअल का मतलब ये होता है समलैंगिक, मतलब अपने ही जैसे लिंग वालों लोगों से आकर्षित हो जाना, उसे कहते हैं हम होमोसेक्सुअल। तो देखो, सोसाइटी है, हम इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, ठीक है। लिटरेचर कहते हैं कि सोसाइटी का जो है, सोसाइटी को दर्शाती है हमें, एक टाइप का ऐसा मिरर है जो कि सोसाइटी को शो करती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, उसे अपने आंसर्स में लिखें और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, है ना। ये तो इसी को समझते हुए हम बात करेंगे। देखो, यहाँ पे जो आरजी था, आरजी एक होमोसेक्सुअल कैरेक्टर है स्टोरी में, और पूरे वर्ल्ड में आपको पता ही है कि अब जो है इस टाइप की होमोसेक्सुअल जो हैं, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अब बनाए जा रहे हैं जो कि कहते हैं कि ये लीगलाइज्ड है। अब इंडिया में भी लीगलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको लिंक करके थोड़ा बहुत आंसर्स में लिखना है आपको। तो देखो, यहाँ पे जो आरजी है वो है होमोसेक्सुअल कैरेक्टर था अपना। तो यहाँ पे जब वो गेम खेल रहा होता है ब्राइड एंड ब्राइड का अपनी कज़न के साथ, तो हर पैटनेस नाम की एक कज़न होती है जो कि कहती है कि तुम लड़के हो, तुम्हें इस गेम को खेलने का कोई हक नहीं है, तुम्हें साड़ी पहनने का कोई हक नहीं है। और आफ्टर दैट लड़ाई वड़ाई होती है, साड़ी फट जाती है। तो आपको देखो, यहाँ से एक जो मेन थीम निकलता है वो है मैरिज का, ठीक है। मैरिज का जो थीम निकलता है इस टाइप से है कि सोसाइटी ने बना रखा है कि एक मेल एक फीमेल से ही शादी करेगा, ठीक है। एक मेल का रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन जो होगा एक फीमेल से ही होगा, तो ये सोसाइटी ने बना रखा है, ठीक है, नेचर के हिसाब से है, ठीक है। लेकिन उन लोगों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा जो कि होमोसेक्सुअल है। तो यहाँ पे इस चीज को लेके ना, यहाँ पे स्टोरी में एक कह सकते हो आप डिबेट प्रेजेंट की गई है इन फ्रंट ऑफ द रीडर्स कि आप लोग क्या समझते हो, आप लोग अपनी एज अ रिएक्शन आप क्या दोगे इसको। तो श्याम सेल्वादुरई ने बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है कि सोसाइटी जो है कई बार जो मेंटल ट्रॉमा का कारण बन जाती है किसी इंसान के लाइफ में, ठीक है। अब सपोज ये है कि जैसे आजकल क्या चल रहा है कि लव स्टोरी चल रही है, ठीक है, किसी एक लड़के को दूसरे से प्यार हो जाता है, बट ड्यू टू कास्ट सिस्टम या कुछ सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करने देती, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे ही समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही किसी के लव को, तो यहाँ पे आरजी को सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। तो ये चीज़ क्या बनी, आगे कारण बनी आरजी को, आरजी के जो लाइफ में है यही चीज़ कारण बनी उसके लाइफ एक ट्रॉमा का, मतलब कहीं 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 ना कहीं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। मेंटल ट्रॉमा का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं मानसिक आघात हुआ उसके सिर पे। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे जो श्याम सेल्वादुरई ने पेश किया है यहाँ पे, तो बेसिक सी बात है कि मेंटल ट्रॉमा एक मेन थीम हो सकता है कि कैसे सोसाइटी एक प्रेशर क्रिएट करती है लोगों पे अपनी ही बात मनवाने का, है ना, नेचर को फॉलो करने के बहाने कहीं ना कहीं अपना जो एक पीछे मोटिव होता है वो भी साधने की कोशिश करती है सोसाइटी। तो मैरिज का एक जो बड़ा ही अच्छा सा थीम था ये मैंने आपको बताया अभी। दूसरा जो हो सकता है वो है थीम, वो है क्वेयर आइडेंटिटी की। तो क्वेयर आइडेंटिटी जो है मीन्स अपने ही जैसे लोगों से आकर्षित हो जाना, ये कोई देखो ये अपना पर्सनल लिबर्टी है हर किसी की। फॉर एग्जाम्पल आरजी की पर्सनल लिबर्टी थी कि वो सहन से जाके अट्रैक्ट हो गया, इवन दैट कि वो मेल किसी भी मेल मस्कुलर मेल को देखता था तो भी उससे वो अट्रैक्ट हो जाता था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो उसका अट्रैक्शन का कारण था उसका माइंडसेट ही कुछ ऐसा था। तो वी वुड हैव टू एक्सेप्ट सच पीपल इन आवर सोसाइटी। हमें इस नोवल से यही पता चलता है कि
इस टाइप के अगर लोग सोसाइटी में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली उनको नकारा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए आप लोगों को ये सारी बातें बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ, सो दैट मुझे भी तसल्ली मिले कि एटलीस्ट सम किसी की तो हेल्प हो पा रही है थ्रू दिस चैनल, ठीक है। आगे बढ़ें, एक बार देखते हैं हम यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे ना वही चीज़ें डिस्कस की गई है कि बीच बीच में क्या हो रहा था, तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, स्टोरी के बीच में नहीं जा रहे, क्योंकि हमें समरी नहीं लिखनी है एग्जाम में। हमें ये जानना है कि कौन कौन से पॉइंट अगर हम वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे आंसर शीट में तो हमें कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे, मतलब किस टाइप के। तो फ्रेंड्स, और एक था यहाँ पे मैरिज के ही ऊपर, मैं और एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, राधा आंटी का केस ले लो आप। राधा आंटी जब उससे प्यार करती है अनिल से, आई थिंक, हाँ ये अनिल है, तो उन जो उनका जो रिलेशनशिप है वो सफल नहीं हो पाता, ये कह सकते हो आप, सक्सेस नहीं मिलती उनकी रिलेशनशिप को। क्यों नहीं मिलती? सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? वहाँ पे रियॉर्ट्स जो हैं इन बिटवीन दी सिन्हालीस एंड तमिल, तमिल लोगों और सिन्हालीस के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, उन उनके इस लड़ाई से इनके प्यार को जोड़ दिया गया, एंड आफ्टर दैट उनका जो ये लव रिलेशन था उसको मनाही मिली, मतलब कि एक्सेप्ट नहीं की गई सोसाइटी में। तो आप देख सकते हो कि किस टाइप से सोसाइटी जो है आपके ऊपर एक कह सकते हो प्रेशर क्रिएट करती है कई बार, है ना। अब दूसरी चीज़ है लैंग्वेज की। थर्ड जो आपका थीम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं हम, वो है लैंग्वेज, कि किस टाइप से इंसान एक होकर भी लैंग्वेज भले ही दो डिफरेंट बोलता है, लेकिन लैंग्वेज इंसान इंसान को बांट देती है, वो ह्यूमैनिटी ख़त्म कर देती है कई बार। फॉर एग्जांपल, आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो यहाँ पे जो दंगे फसाद हो रहे थे स्टोरी में, आरजी के दादा दादियों को जला दिया गया, जफना में जो राधा आंटी के साथ मारपीट हुई, आफ्टर दैट और एक जो इसके आरजी के अंकल थे उनको मार दिया गया। तो डेफिनेटली जो यहाँ से निकल के आ रहा है कि लैंग्वेज जो है कि सिन्हालीस और तमिल के बीच में जो तनातनी थी लैंग्वेज की लिए, इसने क्या करा, क्रिएट कर दिया, एक बर्डन क्रिएट कर दिया उन लोगों पे, सो इवन सोसाइटी पे एक बर्डन क्रिएट किया कि तमिल को निकालो बाहर श्रीलंका से, सिन्हालीस बनेगा जो भी नेशनल लैंग्वेज बनाना है, जो भी बनाना है सिन्हालीस। तो मतलब दंगे फसाद करके जैसे भी हो अपना हक ले लो। तो यहाँ पे लैंग्वेज से आप कह सकते हो लैंग्वेज से पॉलिटिक्स खेली गई है, और लैंग्वेज से ही यहाँ पे दंगे जो है मतलब ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। लैंग्वेज इंसान को बांटता हुआ दिख रहा है यहाँ पे इस स्टोरी में, है ना। अब नेक्स्ट थीम और एक हो सकती है आपकी यहाँ पे, जो नेक्स्ट थीम हो सकता है, अदर थीम्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे जेंडर का, कि यहाँ पे जेंडर की एक अलग से ही डेफिनेशन बताई गई है, सेक्सुअलिटी की एक अलग सी डेफिनेशन बताई गई है कि जो इंसान है वो एक मेल एक फीमेल से अट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो आरजी है उसका जो सेक्सुअलिटी है वो होमोसेक्सुअल कैरेक्टर है वो बंदा, तो वहाँ पे सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। उसके बाद जो है जेंडर, आप देख ही सकते हो कि जेंडर को कैसे यहाँ पे दिखाया गया, शो किया गया है कि तुम मेल हो तो तुम मेल जैसा गेम खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, तुम गर्ल्स के साथ नहीं खेल सकते, तुम साड़ी वाला मतलब जो भी है ड्रेस वो नहीं पहन सकते। तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप यहाँ पे काफ़ी जैसे जो है रेस्ट्रिक्शंस पेश की गई हैं, इन फॉर्म ऑफ किसी भी फॉर्म में पेश की गई है, बट एक्चुअली एट द लास्ट आप कह सकते हो कि मेंटल ट्रॉमा पेश कर रही हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी पे। जो है सोसाइटी एक दूसरे पे बर्डन क्रिएट करती है कि ऐसे फॉलो करो ऐसे फॉलो करो, कहीं ना कहीं जो लिबर्टी है, आप कहते हो कि मैं लिबरल हूँ, तो लिबरल विचारधारा आपकी यहाँ पे ध्वस्त की जाती है इन लोगों के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। तो जो अच्छी चीज़ें हैं सोसाइटी में उनको एनहांस करना चाहिए हमें, और जो गंदी चीज़ें हैं उनको नेगलेक्ट करना चाहिए। तो इसी चीज़ को आप एग्जाम शीट में लिख के आओगे फ्रेंड्स, अपने वे में जो आपने इस वीडियो के थ्रू गेन किया, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिखोगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये डेफिनेटली जो पर्पस है मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का, वो है आप लोगों की हेल्प, बिकॉज कॉलेज में जो है मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि क्या हमने पढ़ा, क्या हमने एनालाइज करा, तो वहाँ पे एनालाइज करने का टाइम भी नहीं मिलता। तो एटलीस्ट कुछ तो हो यूट्यूब पे एटलीस्ट अवेलेबल आप लोगों के लिए जो कि हेल्प कर दे। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया था मैंने,
अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो लाइक कर देना वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दो, सर्कुलेट कर दो। यही होगी सबसे बड़ी हेल्प मेरे लिए, आई थिंक आप लोगों की तरफ से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए अभी तक इस वीडियो में इतना ही, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और ताज़ा तरीन समरीज को लेके, प्लस क्रिटिकल एनालिसिस को लेके। एंड आई होप कि जो नेक्स्ट सेमेस्टर जब भी आएगा आपका, तो स्टार्टिंग से ही आपकी जो प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी होगी वो मेरी होगी। आई होप कि आप अच्छे नंबरों से पास हो, नाम रोशन करो अपने पेरेंट्स का भी, प्लस जिस चैनल, जो ये चैनल है अपना, इसको भी सपोर्ट करते रहो आप। तो कंटिन्यू टू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड हिटिंग द लाइक बटन। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे इट्स इनफ। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाय फ्रेंड्स।